गत दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब हाईकोर्ट से सभी फाइलों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई है, क्यों ना दोनों को जांच करने दी जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की कमेटी सिर्फ सुरक्षा में चूक की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश भी दिए और पीएम के रूट की सभी जानकारियों को सुरक्षित रखने को कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी और दूसरी एजेंसियों से भी रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी देने को कहा है। एनआईए से भी सहयोग करने को कहा गया है, जहां इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार को मुकर्रर किया गया है और सोमवार को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश दे, ताकि आने वाले समय में कभी भी पीएम के सुरक्षा में चूक ना हो सके। इन सब के बावजूद पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर राजनीतिक टिप्पणियां जारी है, जहां कांग्रेस इसे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रचार का स्टंट को लेकर हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी और सरकार पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और इसे पीएम मोदी के जान पर खतरे को लेकर चेतावनी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि कई बार ये भी कहा गया कि क्या पंजाब में पीएम के सुरक्षा में हुए चूक को लेकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लेकिन इस पर केंद्र सरकार अभी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। होता क्या है आने वाला वक्त बताएगा, और उसके लिए आप जुड़े रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।